हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 45 और इसके पहले मैंने 44 प्रैक्टिस सेट्स बना दिए हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ उन्हें भी जरूर वॉच कर लें, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सारी प्रैक्टिस सेट में मैंने ऑब्जेक्टिव ग्रामर को विद रूल्स के एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से सेंटेंस हैं हमारे पास। तो फर्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बियर्स द ट्रू मीनिंग ऑफ, इसका ट्रू मीनिंग बताना। इस तरह का सेंटेंस, इस तरह के दो तीन सेंटेंस में 44 नंबर के प्रैक्टिस सेट में लाया था कि ऑल आर्ट इज मोरल नन डेलिबरेटली सो, इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन है आर्ट शुड नॉट बी मोरल, आर्ट मस्ट बी एंटरटेनिंग, आर्ट इज अबव मोरलिटी, या थ्रू ऑल वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोफेस टू बी अब अमोरल, दे आल एट द बॉटम आर मोरल। तो राइट ऑप्शन होगा इसका वो यही होगा डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, क्लियर, क्लियरिटी, क्लियरली या क्लियरलेसली। तो सबसे पहले देखें तो क्लियर आपका क्या है, क्लियर आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर आप रूट वर्ड की बात करें, सफेद की बात करें, जिस वर्ड के अंत में आई टी वाई वाई लगा होता है तो ये आपका नाउन होता है। और कैसा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ऑनेस्टी है आपका, ब्यूटी है, वही। क्लियरली क्या है, ये एडवर्ब है, और क्लियरलेस, क्लियरलेस एडजेक्टिव, एल वाई लगा के एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो होगा बी, क्लियरिटी। नेक्स्ट है, क्लियरिटी था सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए कंजेंशन, यहाँ पर चार वर्ड में से कंजेंशन कौन सा। कंजेंशन क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड फ्रेज और सेंटेंसेज को जो जोड़ते हैं वो कहलाते हैं आपके कंजेंशन, ठीक है। तो बूटी है, ब्लड है, बट है एंड बी है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, बट, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज में यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजेंशन है। और नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। ऑप्शन है कोवर्ड, फूल, किंगली एंड सेलिब्रिटी। तो यहाँ पर जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इन चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होगा, फिर मैं बताता हूँ। आपका कोवर्ड एक नाउन है, फूल भी नाउन होता है, किंग आपका क्या है, नाउन है, और नाउन में हम सामान्यतः एल वाई लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, याद रखिए। जैसे मैन, मैनली, है ना, इस तरह से। एंड आई टी वाई इसमें लगा हुआ है तो ये भी आपका नाउन है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो क्या हो रहा कि किंगली आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए ट्रांसिटिव वर्ब, यानी चार ऑप्शन में से कौन सी ट्रांसिटिव वर्ब है। नॉर्मली वर्ब दो तरह की होती हैं, एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब, एक होती है इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, एक ऐसी वर्ब होती हैं जहाँ पर डूअर कोई एक्शन करता है और उसका जो प्रभाव होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिसमें जब कोई डूअर काम करता है तो प्रभाव ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, फ्रेजेस वगैरह यूज हो जाते हैं। तो जैसे खिल है, खिल क्या होता है, खिल खिल आपका कैसा होगा, किसी पर प्रभाव पड़ेगा। फ्लाई है, एंड जैसे वर्ड्स फ्लाई, डाई है, रन है, और ही किल्ड ए टाइगर, यानी उसने टाइगर को मारा, यही तो हुआ। उसने एक एक्ट क्या किया, मारने का, जिसका प्रभाव किस पर पड़ा, टाइगर पर पड़ा। पक्षी उड़ते हैं, वर्ड्स फ्लाई, अब यहाँ पर किसका प्रभाव, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी पर नहीं पड़ रहा है, जो डूअर है उसी पर प्रभाव पड़ रहा है जो उड़ रहा है। डाई है, जैसे ही डाइड एट नाइट, तो डाइड हुआ वो, अब उसका प्रभाव किस पर पड़ा, किसी पर नहीं पड़ा, उसी पर पड़ा है। रन है, जैसे दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, सेल्फ पर पड़ रहा है ना, लेकिन सेल्फ पर नहीं पड़ता ट्रांसिटिव वर्ब में। ट्रांसिटिव वर्ब में जो इफेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसिटिव वर्ब होगी इनमें से वो होगी आपकी खिल, और ये जो तीन तीन है वो है आपकी इनट्रांसिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी स्पेलिंग गलत कौन से में है, राइटिंग, बिगिनिंग, क्रनिंग एंड डेसफुल, डेटफुल, ओके, डिसीट है, डिसीटफुल। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो रहा है ये रॉन्ग है कि ये स्पेलिंग है, ये रॉन्ग है। राइटिंग की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, यहाँ पर डबल टी का यूज किया गया है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फुली फ्री फ्रॉम एरर, यानी यहाँ पर चार सेंटेंस में से तीन आपके रॉन्ग हैं और एक आपका राइट है। तो देखते हैं, सी नोज टू कुक, सी नोज हाउ टू कुक, सी डजेंट माइंड टू कुक, या सी इज एबल टू ब्रेक इन द डोर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस सही है वो है सी नोज हाउ टू कुक। जब हम किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि वह जानता है कि वह इस काम को कैसे करता है, तो नॉर्मली हाउ प्लस इन्फिनेटिव से ही वो सेंटेंस बना दिया, जैसे सी नोज हाउ टू स्विम, इस तरह से। तो राइट ऑप्शन होगा बोर आपका बी। नेक्स्ट है, यस्टरडे आई मेट डैश यूरोपियन एट द स्टेशन, और यहाँ पर करेक्ट फिल करना है हमें आर्टिकल, आर्टिकल ए द सॉरी एन द ए एंड जीरो आर्टिकल। तो यूरोपियन को जब हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, यूरोपियन ऐसे ही बोलते हैं ना। सबसे पहले जब भी हमें आर्टिकल ए एन का यूज करना होता है तो हम क्या देखते हैं, साउंड को देखते हैं। यदि बॉल साउंड आ रहा है तो एन आर्टिकल लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यूरोपियन बोलने में आपको क्या आता है, सबसे पहले साउंड ई आर का, जो किससे बनता है, बाई से। यानी कि यहाँ पर लिखा ई है लेकिन जो प्रोनंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट में आ रहा है और ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के अनुसार हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यस्टरडे आई मेट अ यूरोपियन एट द स्टेशन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर तीन वर्ड कलेक्टिव नाउन है, एक वर्ड कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसमें हमें कलेक्शन का पता चलता है, ग्रुप समूह का पता चलता है। जैसे आर्मी, आर्मी वन सोल्जर से नहीं बनती ना, तो कलेक्टिव नाउन है। जूरी, जूरी होते हैं, पंच होते हैं जो जज करते हैं, जो इनका ये समूह होता है पूरा, पाँच चार पाँच लोगों का, उससे जूरी होती है। नेक्स्ट है क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है, कौआ होता है, सॉरी यहाँ पर ये रोंड है, यहाँ पर क्राउड है ना, क्राउड है। तो क्राउड से ऐसा नाउन है आपका, ये आपका कलेक्टिव नाउन ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्राउड मीन्स होता है भीड़ और काफ़ी लोगों से बनती। फैक्ट्री आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है, ठीक है, ये कॉमन नाउन है। तो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच कौन सी है, यानी इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। सेंटेंस है आपका डायरेक्ट नरेशन, ही सेड वेयर आर यू गोइंग दिस समर माई डियर फ्रेंड, यानी कि इसने बोला है अपने फ्रेंड से कि वेयर आर यू गोइंग दिस समर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें आस्ट या इनफॉर्म यही चीज़ें यूज होती हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। ही आस्ट वेयर माई डियर आर यू गोइंग दिस समर, सॉरी रॉन्ग होगा, ही इन्फॉर्म नहीं कर रहा है ना, ये गलत हो रहा, वेयर आर यू दिस समर माई डियर फ्रेंड, ये भी रॉन्ग है। ही टोल्ड पर भी ऐसे नहीं आएगी, ही टोल्ड दैट वेयर आर यू गोइंग, ये भी गलत है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर एड्रेस टू हिम, हाँ उसने एड्रेस किया अपने फ्रेंड को, कैसे एड्रेस किया, माई डियर फ्रेंड, तो एड्रेसिंग हिम एज माई डियर फ्रेंड, उसने उससे पूछा कि वेयर ही वाज गोइंग दैट समर। राइट ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का करेक्ट फॉर्म क्या होगा। सेंटेंस है, आई सेड टू हर डू यू नो दैट योर मदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट इन ग्रीन पार्क। ऑप्शन है, ही इंक्वायर्ड डू यू नो दैट माई मदर मेट विद एन एक्सीडेंट इन द ग्रीन पार्क। तो ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एडजुलरी वर्ब से कंजेंशन होना चाहिए, कंजेंशन कौन सा आएगा, इफ। चलो डायरेक्ट इफ देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें दैट लगा, ये भी गलत है, ये करेक्ट होगा, इसे पढ़ लेते हैं। आई आस्ट हर इफ सी न्यू दैट हर मदर हैड मेट विद एन एक्सीडेंट इन ग्रीन पार्क, ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का करेक्ट फॉर्म कौन सा होगा। और सेंटेंस है, ही सैड टू मी When are you publishing your next novel? Interrogative sentence है, conjunction कौन सा बनाएंगे, यही डब्ल्यू एच वर्ड कंजेंशन हो जाएगा। तो पहले देखते हैं किन में लगे, दो सेंटेंस में यही कंजेंशन है, तो ए नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा। तो ही asked है, टोल्ड हो जाएगा, इंक्वायर हो जाएगा, रिक्वेस्टेड नहीं हो रहा, रिक्वेस्टेड इंपरेटिव सेंटेंस में आता है जब प्लीज होता है तब, तो ये भी गलत है। अब तो राइट ऑप्शन है वो आपका हो रहा डी, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन आई वाज पब्लिशिंग माई नेक्स्ट नोवेल। तो
तो दोस्तों आज की क्लास ये थी, कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।